फ्लैट खरीदना चाहते हैं ना? जी सर। एक बात बता दूं, उस फ्लैट को कुछ लोग पसंद नहीं करते, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। सर, मेरा नाम अभय है। ना मैं किसी से डरता हूँ और ना भयभीत होता हूँ। सिर्फ एक बार ये फ्लैट मैं अपनी पत्नी को दिखा दूँ, अगर उनको पसंद आ गया तो फिर डन। कब दिखाना चाहोगे अपनी पत्नी को? कल सर। ठीक है, कल बलवंत के साथ जाकर दिखा दो अपनी पत्नी को फ्लैट नंबर 009। बलवंत जी। हाँ नमस्कार अभय साहब। कहाँ हैं आप, इतना देर कर रहे हैं? मैं जरा ट्रैफिक में फंस गया हूँ अभय साहब, अब मैं अभी अभी 10 मिनट में पहुँचा था। क्यों? ओ रास्ते में। अरे क्यों? अभी देखा तो लॉक लगा हुआ था और अभी लॉक ही गए। ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। अरे नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि दरवाजा खुला हुआ है। चलो अंदर चल के देखते हैं। हेलो, कोई है? क्या देख रही हो उधर? सामने वाले फ्लैट में एक अंकल और आंटी आए। कितने बार मना किया, सामने वाले घर में ताजा मत किया करो, जाओ जाके अपना पढ़ाई करो। ये फोटो किसका? ये फोटो? वाओ, क्या किचन है ना? हैप्पी ना? हैप्पी। फ्लैट तो इतना शानदार है, मिस्टर कपूर इसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? ये हमारी खुशकिस्मती है, इतना अच्छा फ्लैट मिल रहा है हमको। इतना शानदार फ्लैट विद फर्नीचर और कम बजट, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे अभय। और दूसरा जो हमने लोगों से सुना, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ होनी अनहोनी घटना दुर्घटना? रोशनी, अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुमको पता है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आदमी का जन्म नहीं होता है और जहाँ आदमी की मृत्यु नहीं होती। सब जगह ये समान है, कोई बहम लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि हम इस फ्लैट को जरूर लेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं है मुझे, एक बार प्लीज मेरे खाते अड़ोस पड़ोस में पूछ के आ जाओ प्लीज। अगर तुम बोलती हो तो मैं जाके चेक कर लेता हूँ, तो अपना ख्याल रखो और मैं जाके आ जाऊँ। ओके,
किया हाँ। अरे ये घर मनहूस है मनहूस, भूल जाइए इसे। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अच्छाई है तो बुराई भी है, आत्मा है तो प्रेत आत्मा भी। मेरी किताब यहाँ कौन पढ़ता होगा? मैं पढ़ती हूँ ना। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ रश्मि जी, आपके सारे किताबें मैंने पढ़े हैं। और तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी किताबों के कारण तो मैंने सुसाइड किया है। सुसाइड? हाँ, ये देखने के लिए कि आफ्टर डेथ होता क्या है। आप मर चुकी हैं? अरे आखिर आप डर क्यों रही हो? अरे आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है रामू? जी मैडम। पंखा चलाओ। लेकिन ऐसा क्यों सर? मुझे अगर मालूम भी होगा तो भी मैं आपको नहीं बता। अरे लेकिन थोड़ा तो बताओ यार। नहीं सर, सर बिल्कुल कुछ भी नहीं। अरे सुनो सर, सॉरी। अरे भाई सुनो ना यार। सर सॉरी। सुनो सर। क्या हुआ? आपको पता नहीं दीदी कौन है, बार बार फ्लैट नंबर 009 के बारे में पूछ के परेशान कर दिया। अरे तो तुम इतने क्यों परेशान हो रहे? दीदी आपको तो पता है ना उस घर में भूत है। रामू कौन आया है भाई? कोई नई मेम साहब है। आप रोशनी दत्त है ना, वो मशहूर लेखिका। हमारी बहू आपकी बहुत बड़ी है। मुझे भी आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती है। ये आप ही है? हाँ। यानी आप की भी मौत हो चुकी है? मरना तो एक दिन सभी को पड़ता है, क्या तुम नहीं मरोगे? इंसान चाहे या ना चाहे मरना तो सभी को पड़ता है। आप तो इतनी बड़ी राइटर हैं, भूत प्रेतों पर कितने नोवेल लिखे हैं। आप भूतों से डरती हैं? आपने कभी भूत देखा है? अच्छा ये बताइए भूत कैसे होते हैं? मेरे जैसे? मेरे जैसे, मेरे जैसे, या फिर मेरे जैसे। प्लीज मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये भी तो आप भी कहीं जा रहे हैं? यहीं रहिए हमारे साथ। कहाँ रह गए?
पे फोन कर रहा है। अरे सॉरी यार, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। सॉरी यार, सॉरी, कोई बात नहीं। लेकिन अबे साहब, आप तो अपनी वाइफ को साथ लेके आने वाले थे। अरे नहीं यार, मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरी पत्नी भी साथ में है, अंदर है वो। अंदर 009 में? ये 009 के अंदर? अबे साहब, दरवाजे पे देखिए, लॉक लगा हुआ है और लॉक की चाबी जो है वो मेरे पास है, इसके अंदर कैसे हो सकते हैं? अरे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लॉक खुला हुआ था, मेरी वाइफ और मैं हम दोनों लोग अंदर गए। ये कैसे हो सकता है कि अभी लॉक खुला था और अभी लॉक बंद? अरे सर, मैं ये जो फ्लैट है, इस फ्लैट की दो चाबियां हैं, दो, एक कपूर साहब के पास रहती है और एक ये मेरे पास। ये लॉक जाने से पहले पिछली बार मैंने अपने हाथ से लगाया था और इसको लगाने और खोलने का काम मैं ही करता हूँ। भाई एक बात सुनो, अभी थोड़ी देर पहले लॉक नहीं था, दरवाजा खुला था, हम दोनों लोग अंदर गए। आपको यकीन नहीं तो अंदर की पूरी बात बताओ। अंदर जाते ब्लैक सोफा है, सामने सोफा है, अंदर तो एक फोटो है लाल साहब की, उससे माला लगाया हुआ है। अब इससे क्या बताऊँ? देखिए आप जो बता रहे हैं वो सब ठीक है, फोटो भी है, लाल साहब की ही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस ताले को खोले बगैर अंदर नहीं जा सकता, और ये लॉक है ना, था बड़े से बड़ा चोर भी इसे खोल नहीं सकता। भाई लॉक खोलो, अंदर चलो, अंदर मेरी वाइफ है यार। क्या बात कर रहे हैं यार, अब यार मजाक छोड़ो यार, बुलाओ अपनी वाइफ को ताकि डील आज के आज डन हो जाए यार। अभय साहब, बलवंत जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, अंदर मेरी वाइफ, लॉक खोलो यार। अंदर आपकी वाइफ है? हाँ खोलिए आप। इसके अंदर? जी इसके अंदर। चलिए देख लेते, आइए दिखाइए मुझे कहाँ है आपकी बीवी। ये लीजिए देखिए। रोशनी, 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 कहाँ चली है? के साथ माता बच्ची करती है। रोशनी, 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 पता नहीं कहाँ चले गई। बलवन, अंदर अंदर कोई नहीं यार, कहाँ है मेरी बीवी? मैं यहीं छोड़ के गया था। यहाँ छोड़ के गए? अरे भाई आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने आपकी बीवी को गायब कर दिया। मैं अभी आपके सामने आपके साथ चल के बाहर से अंदर आया हूँ। मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, इस फ्लैट के अंदर आपकी बीवी हो ही नहीं सकती। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपकी बीवी कहाँ है, आप दिखाइए मुझे। मैंने कहा ना कि मैं रोशनी को यही छोड़ के गया था। तुम ना, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोग साले ना सीधी बात मानते नहीं हो। हेलो पुलिस स्टेशन, आप जो फ्लैट इनको दिखाने ले गए थे, उस फ्लैट से इनकी बीवी गायब हो गई। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, ये जब फ्लैट देखने आए थे ना अकेले थे, जब बीवी साथ नहीं थी तो गायब कैसे हो सकती है? सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ मत बोलो, सच बोलो मिस्टर बलवंत, झूठ बोल रहे तुम, सच सच बताओ वरना बलवंत एक बार देख लेना तुम। एक मिनट, उस फ्लैट का माल कौन है? उसके मालिक है मिस्टर कपूर। आपको लगता है कपूर साहब कि आपके उस फ्लैट नंबर 009 में भूत प्रेत का वास है, सच है क्या? मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी भूत प्रेत को नहीं देखा। अरे तो मेरी बीबी कहाँ है मिस्टर कपूर? यह आपको पता होना चाहिए मिस्टर अभय। एक बात सुन लो, अगर मेरी बीबी नहीं मिली ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको भी और आपके उस दलाल को भी। आप अपनी तमीज के दायरे में रहो मिस्टर अभय। आपका कहना है कि आपकी बीवी फ्लैट नंबर 009 में गई
और अचानक से गायब हो गई। और पड़ोसियों का कहना है कि उस फ्लैट में भूत प्रेतों का वास है। यानी कि ये सारी समस्याओं की जो जड़ है वो भूत है। आज रात को मैं उधर रुकता हूँ और देखते हैं सारा भूत प्रेतों का माजरा की है। तू बस कर। सारे आस पड़ोस में सब कहते हैं यहाँ बहुत भूत हैं। आज मैं देखता हूँ केड़ा इधर भूत है। सड़ों की मार मार के ऐसी हालत कर दूंगा ना कि ये फ्लैट के आसपास तो क्या एरिया में नहीं दिखेंगे। आज उनके पिछवाड़े में इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि साला लोगों को डराना तो गोल बात ना भूल जाएंगे। साहब ऐसे भूतियों को गालियां देना ठीक नहीं है, और उनको गुस्सा आ गया तो? तेरे को पता है मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं उनका क्या हाल करना है। पहले ये पता तो कि पुलिस में भर्ती किसने किया। पुलिस के आगे तो अच्छे अच्छे भूतों का भूत निकल जाता है। तो आज देखना मैंने उनका कैसे सफाया करना है, देखना। और तुम लोगों को डर लगता है ना तो जाओ बाहर बैठो, बाहर पैरे पे बैठो, पैरा दो बार। और जब तक मैं नहीं कहता तब तक बाहर से कोई अंदर आएगा नहीं, अंदर से कोई बाहर जाएगा नहीं। बाहर निकलो सड़ो, लोगों को डराते हो, मुझे डरा के बताओ। आज तुम्हारा बड़ा पड़ा है इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह से, मेरा नाम है हिम्मत सिंह। अरे मेरे करके डराते हो हिम्मत सिंह को? मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खी। Ha ha ha!
हेलो मिस्टर कपूर, मैं आपका फ्लैट नंबर 009 खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब आप खरीदेंगे फ्लैट नंबर 009?